सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेफलोपोड। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस सेफलोपोड एंड सेफलोपोड इज अ क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। सो वी विल डिस्कस द बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस क्लास एंड द मॉर्फोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लास एंड वी विल गेट अदर आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैबिट, मोड ऑफ लाइफ, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स and the geological distribution uses in stratigraphy, specifically in biostratigraphy. We will get the other aspects in the second part of this video lecture. So start करते हैं इसको। So सबसे पहले ये है कि इसकी जो basic characteristics हैं उनको अपन discuss करते हैं, like kingdom क्या है, phylum क्या है, सब phylum क्या है, class क्या है, cephalopod क्या है, सब क्लास क्या है, इसका देखते हैं। जैसे मैंने आपको जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपको डिफाइन किया था तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वाज किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन फैमिली, सॉरी देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, देन स्पीसीज। सो वी विल स्टडी अप टू ऑर्डर, नॉट वी विल नॉट डिस्कस द फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर फाइलम और किंगडम। सो वी विल कन्फाइंड आवर स्टडीज अप टू ऑर्डर्स, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो इसी ऑर्डर में इसको डिस्कस करते हैं। सो किंगडम है वो आपका एनिमेलिया है, फाइलम आपका मोलस्का है, सब फाइलम इसका कौन सी फेरा है, क्लास इसकी सिफलोपोड है और सिफलोपोड की तीन सब क्लास हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, नोटिलोइडिया, अमोनोइडिया एंड सिलोइडिया। सो ये आप ध्यान में रखेंगे, इनकी एज रेंज आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, नोटिलोइडिया की जो रेंज है वो अपर कैम्ब्रियन टू रिसेंट है एंड अमोनोइडिया की जो रेंज है वो आपकी डिवोनियन टू क्रिटेशियस है और सिलोइडिया की जो है वो डिवोनियन टू रिसेंट है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन बताता हूँ यहाँ से, वो क्या है कि जो आपके अमोनोइडिया है इसकी रेंज कितनी है, डिवोनियन टू क्रिटेशियस, विच मीन्स कि अमोनोइड्स के अमोनोइडिया जो सब क्लास है उसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने को सिर्फ फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में मिलते हैं, लिविंग रिप्रेजेंटेटिव आपको अमोनोइडिया सब क्लास का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या है कि नोटिलोइडिया और सिलोइडिया दोनों का ही आपका रेंज जो है वो क्या है, एक का अपर कैम्ब्रियन टू रिसेंट है और दूसरे का डिवोनियन टू रिसेंट है, विच मीन्स वी विल गेट द फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सब क्लास नोटिलोइडिया एंड सिलोइडिया। सो सिलोइडिया के जो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है उसमें आपका ऑक्टोपस है, नोटिलोइडिया का आपका नोटिलस है, ठीक है। ऑक्टोपस याद आ रहा है, फुटबॉल वाला जो उसने भविष्यवाणी करी थी कि ये जीतेगा वो जीतेगा, ठीक है, वो ध्यान में रखना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अपन डिफाइन करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और हैं, जैसे कि टेट्राब्रांकिया एंड डाइब्रांकिया और अपन डिफाइन करते हैं। टेट्राब्रांकिया का मतलब क्या है, टू पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है, ब्रैंकिया मीन्स गिल्स होता है, ये अपन ने प्लेसीपोड में भी डिफाइन किया था, लेमेली ब्रैंकिया है ना, लीफ लाइक गिल्स, सो ब्रैंकिया मीन्स गिल्स। सो ये आपका टेट्राब्रांकिया है और एक आपका डाइब्रांकिया है, यहाँ पे ये सी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया, ये नहीं होना चाहिए था, सो सिर्फ ये आपका बी होगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना आप। सो या वन सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ओके। सो वी आर डिस्कसिंग टेट्राब्रांकिया एंड डाइब्रांकिया, ब्रांकिया मीन्स गिल्स, सो टेट्रा मीन्स फोर गिल्स, ठीक है, एंड दे विल ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स, टू पेयर्स, ठीक है। सो टेट्राब्रांकिया मीन्स टू पेयर्स ऑफ गिल्स और लिटरल मीनिंग मीन्स फोर गिल्स। सो इसका एग्जाम्पल आपका अमोनोइडिया एंड नोटिलोइडिया है, सो विच मीन्स द सब क्लास ऑफ सब क्लास लाइक नोटिलोइडिया एंड अमोनोइडिया विल पजेस टू पेयर्स ऑफ गिल्स, वेयर एज द सब क्लास सिलोइडिया विल पजेस ओनली वन पेयर ऑफ गिल्स एंड विच इज स्टडीड अंडर द टॉपिक ऑफ डायब्रांकिया। सो एग्जाम्पल विल बी सिलोइडिया, तो ये आप ध्यान में रखना है कि टेट्राब्रांकिया और डायब्रांकिया के अंदर भी इसको ग्रुप करते हैं, टेट्राब्रांकिया में आपका अमोनोइडिया है और नोटिलोइडिया है, दूसरा आपका डायब्रांकिया में सिलोइडिया है और सिलोइडिया का मतलब सिलोइडिया में कितने होंगे, वन पेयर ऑफ गिल्स, वन पेयर ऑफ गिल्स मतलब टू गिल्स, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जेट प्रोपल्शन सिस्टम ये आपका सेफलोपोड का मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। जेट प्रोपल्शन सिस्टम बेसिकली है क्या, ये एक मोड ऑफ लोकोमोशन है, ठीक है, और जेट प्रोपल्शन सिस्टम विल हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एस्केप फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस वेरी क्विकली। अब जेट प्रोपल्शन सिस्टम को अडॉप्ट करने के पीछे रीज़न क्या है, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपका जो मोलस्का ग्रुप है
वो आपका सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होंगे तो बाकी के एनिमल्स का उनके ऊपर अटैक करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। किसके ऊपर? आपके फाइलम मोलस्का के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और ख़ास करके आपके सिफलोपोड। ठीक है, सो दे विल डेवलप ए सिस्टम ऑफ लोकोमोशन विच इज़ वेरी क्विक एंड वेरी क्विक, उसको आप क्या बोलते हैं, जेट प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये आप ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा इकाइनोडर्मेटे का आपका एक वाटर वास्कुलर सिस्टम यूनिक फीचर है, ब्रिक्योपोड में आपका लोफोफोर यूनिक फीचर है, सिफलोपोड में आपका जेट प्रोपल्शन सिस्टम एक यूनिक फीचर है। ऐसे अगर बाकी के फाइलम्स देखेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिक आपको उसमें मिलता चला जाएगा। ठीक है, सो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और ये किसके काम में आता है? लोकोमोशन के काम में आता है। अब एक सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि जब सिफलोपोड का अपन ब्रेकडाउन करते हैं तो सिफलोन एंड पॉड्स मिलते हैं अपने को। सिफलोन मीन्स हेड एंड पॉड्स मीन्स फुट, ये आपको पता है। ये सिफलोन अपन पाइजीडियम ट्रायलोबाइटा में भी डिफाइन किया था, सिफलोन थोरेक्स पाइजीडियम, और सिफलोन का मतलब हेड होता है। ठीक है, और इसमें एक इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सो लाइक इन फोरामिना फेरा और इकाइनोडर्मेटा वी हैव डिफाइंड द हार्ड पार्ट एज ए टेस्ट, TEST, टेस्ट, याद आ रहा है आपको? सो टेस्ट अपन ने डिफाइन किया था। द हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेस्ट इन केस ऑफ फोरामिनिफेरा एंड इकाइनोडर्मेटा, बट इन केस ऑफ ब्रेक्यूपोडा, प्लेसीपोडा, आपका ये सिफलोपोडा, गेस्ट्रोपोडा, इनके केस में अपन हार्ड पार्ट को सिंपली सेल डिफाइन करते हैं। और ये जो है वो करेक्टराइज्ड बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलमेट ग्रेड विद सूडो मेटामेरस बॉडी प्लान। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, थ्री लेयर्स होंगी। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये आपका गट है, ये इनर लेयर है, या आउटर मिडल लेयर है, या आउटर लेयर है। ठीक है, सो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये थ्री लेयर हैं, ये कैविटी पजेस करते हैं। वो कैविटी ऐसा लगता है कि लेंथ के अलोंग सेगमेंटेड है, बट वो ट्रू मीनिंग में कैविटी है वो सेगमेंटेड नहीं होती है। ठीक है, सो इसका सिंपल सा प्लान है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलमेट ग्रेड है, और इसका बॉडी प्लान है वो सुडोमेटामेरस बॉडी प्लान है। ठीक है, और जब आप सिफलोपोड को देखते हैं, उसके फॉसिल को या उसके लिविंग रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक चैम्बर्ड कोन की तरफ दिखता है। चैम्बर्ड कोन, कोन समझते हैं, कोन की जैसे दिखता है। ठीक है, तो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे जो चैम्बर्ड बॉडी होगी उसके टू पार्ट्स हैं, एक बॉडी चैम्बर होगा और एक आपका फ्रेगमो कोन होगा, उसको अपन डिस्कस करते हैं। एक बॉडी चैम्बर होगा, एक आपका फ्रेगमो कोन होगा। ठीक है, अब इसको मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ कि ये आपका एक कोन का पार्ट है और ये आपका एक सिंपलेस्ट चैम्बर्ड कोन है। ये आपका सूचर लाइन है, सेप्टल सूचर लाइन है, और ये आपकी लास्ट सेप्टल सूचर लाइन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बॉडी पोर्शन है, इसको आप क्या बोलते हैं, फ्रेगमो कोन, फ्रेगमो कोन। और यहाँ से लेकर के यहाँ का जो हिस्सा है, इसको आप बोलते हैं बॉडी चैम्बर, बॉडी चैम्बर। ठीक है, ये जो इनवर्ड डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं हाइपोनोमिक साइनस। ये जो फनल और हाइपोनोम होता है उसको होल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इस कोन की, इसको आप बोलते हैं अपर्चर। और ये जो पेरिफेरल पार्ट है, इसको आप बोलते हैं पेरिस्टोम। और ये जो फर्स्ट चैम्बर आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं प्रोटोकोन्स। और ये जो लाइन्स दिख रही हैं, इनको आप बोलते हैं सेप्टल सूचर लाइन। ये होती क्या, इनको डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका टॉप दिख रहा है, ये जो पॉइंटेड एंड दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं एपेक्स। अब इसका जो रियल डायग्राम है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कारीगरी नहीं कर पाऊँगा, कारीगरी इन टर्म्स के मैं इसको ज़्यादा लेबल नहीं कर पाऊँगा, तो इसका जो रियल डायग्राम है उसी को अपन देखते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको लिखा हुआ समझ में आए। ठीक है, सो लाइक अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट, सो लाइक इन केस ऑफ वी आर गेटिंग दिस चैम्बर्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दीज आर द चैम्बर्स ऑफ दिस कोन। ठीक है, ऑल दीज आर द चैम्बर्स ऑफ दिस कोन, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द बॉडी चैम्बर, फ्रॉम हियर टू हियर वी आर गेटिंग फ्रेगमो कोन, एंड द फर्स्ट
chamber of this phragmocone is known as protocones and this pointed end is known as apex. ठीक है, और ये जो आपकी ओपनिंग हो रही है बॉडी चैम्बर की, इसको आप बोलते हैं अपर्चर, और ये जो इनवर्ड डिफ्लेक्शन दिख रहा था इसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोनोमिक साइनस, और ये जो आपकी पेरिफेरी है अपर्चर की इसको आप बोलते हैं पेरिस्टोम. ठीक है, और ये जितनी भी आपको एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी सेंटर में, इसको आप बोलते हैं साइफनकन ओपनिंग. ठीक है, और ये जो चैम्बर्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लूड का डिपोजिशन होता है, या तो गैस होगा इन चैम्बर्स में या फिर कोई फ्लूड डिपोजिट होता है. अगर फ्लूड डिपोजिट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, कैमरल डिपोजिट, और अदरवाइज क्या होंगे, खाली गैस कंटेंट होगा. ठीक है, और उसका यूज़ क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे इसकी इकोलॉजी के अंदर, कि कैमरल डिपोजिट्स का क्या सिग्निफिकेंट है, गैस कंटेंट का क्या सिग्निफिकेंट है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी है उसको वो बैलेंस करने में कैसे हेल्प करता है, तो वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसको अपन देखेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ ये देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं. जैसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको इस तरह सा दिखेगा. ठीक है, इस तरह से दिखेगा, और ये आपको इस तरह से नीचे जाएगा. ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रेगमोकोन है और ये आपका पूरा का पूरा बॉडी चैम्बर है. ये आपकी कोयलिंग हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि सिफलोपोड के जो सेल हैं उसमें आपको कोयलिंग भी मिल सकता है और वो विदाउट कोयल भी मिल सकता है और अनकोयल्ड भी मिल सकता है. तो ये अपने को थोड़ा सा कंसिडर करना है. लाइकवाइज इन केस ऑफ दिस वी आर गेटिंग दिस एंड ओवर हीयर दिस इज द केस. सो दिस इज द फ्रेगमोकोन एंड दिस इज द बॉडी चैम्बर. ठीक है, और इस साइड को आप बोलते हैं वेंटर, इस साइड को आप बोलते हैं डोर्जम. ठीक है, तो जो अपर्चर है उसका जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको रिस्पेक्टिवली आप नाम देते हैं डोर्जम और वेंट्रम. कौन सा वेंटर होगा कौन सा डोर्जम होगा उसको अपन अभी देख लेंगे. जब इस पोर्शन को आप आउट करते हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ ये मिलता है, और ये अपर्चर के आउटर पेरिफेरी है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, पेरिस्टोम. अब ये जो अम्बलिकस है या अम्बलिकल डेप्थ है इसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा. ठीक है, स्पाइरल कोयलिंग वगैरह देखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि अम्बलिकस कैसे फॉर्म होता है. तो इस देखते रहिए, इसको आपको सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में. तो ये सिंपल सा एक डायग्राम है, सिर्फ आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है, ये वाला और एक जो प्रीवियस जो डायग्राम था वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और इस डायग्राम को बना लेंगे. मैं आपको ये इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा. इस डायग्राम को आपको बनाना है और ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं. तो इसमें जो ऑक्टोपस ग्रुप है, दैट इज़ जो सब क्लास सिलोइडिया है, उसका एक एग्जांपल है ऑक्टोपस. तो उसके अंदर जो हार्ड पार्ट है वो ऑलमोस्ट अब्सेंट रहता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. कहीं पूछते होंगे पता नहीं, और BHU की एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो पूछ लें आपसे इस तरह के क्वेश्चन. ठीक है, बाकी क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज़ एन एक्सटर्नल स्केलेटन एक्सेप्ट इन सिलोइड्स वेयर इट इज़ इंटरनल. मतलब क्या है कि जो सिलोइड्स क्लास हैं, सिलोइड सब क्लास है, उसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो सेल है, जो आपका हार्ड पार्ट है वो इंटरनली होता है, बाकी के जितने भी हैं उनके अंदर एक्सटर्नल हार्ड पार्ट है. ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो एंडो स्केलेटन है, इंटरनल है, समझ रहे हो ना, स्किन से कवर्ड है. तो ऐसे ऑक्टोपस के केस में हो रहा है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. सो लिविंग स्टेट की अगर अपन बात करें तो जो सेल है वो दो लेयर से बना हुआ होता है. अपन लिविंग की बात कर रहे हैं, फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव में टू लेयर्स होती हैं, एक आपकी ऑस्ट्रोकोम होती है और एक आपका नेक्रियस होता है. नेक्रियस ये जो लिखा है यहाँ पे. ठीक है, सो जो ऑस्ट्रोकोम होती है ये आउटर पोर्सिलेनियस लेयर होती है. किससे बनी होती है, एरेग्नाइट से. द आउटर ऑस्ट्रोकोम लेयर इज मेड अप ऑफ एरेग्नाइट एंड विच इज़ पोर्सिलेनियस. ठीक है, और जो इनर लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं, नेक्रियस. और ये किससे बनी हुई होती है, एरेग्नाइट से बनी हुई होती है, और दस में साथ में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर. सो नेक्रियस इज मेड अप ऑफ एरेग्नाइट एंड ऑर्गेनिक मैटर. अब जो इनर सरफेस है आपकी, उस इनर सरफेस पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैल्केरियस मटेरियल की एक फिल्म चढ़ी हुई होती है, एक कोटिंग होती है. ठीक है, उस कोटिंग को आप क्या बोलते हैं, एनुलस लेयर. ठीक है, और जो आपकी फॉसिल फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर ये सेप्टम आप डिफाइन कर रहे हैं, ये सेप्टम प्रिजर्व्ड नहीं होता है. ठीक है,
और ये क्या है, बेसिकली नेक्रियस लेयर का एलिमेंट है ये। आप ये जो सेप्टम वाला पॉइंट है इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सेप्टम आपका क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नेक्रियस लेयर दैट विल नॉट बी प्रिजर्व्ड इन फॉसिल फॉर्म्स। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको कैसे। ये एक डायग्राम है मेरे पास, सॉरी ये एक डायग्राम है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपकी पोर्सिलेनियस लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रोकम। ये आपकी इनर लेयर है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, नेक्रियस। और ये एक कार्बोनेशियस ओपेक फिल्म है, कोटिंग है, इसको आप क्या बोलते हैं, एनुलस लेयर। और ये जो आपके फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, फुट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको आप क्या बोलते हैं, सेप्टम। एंड दिस सेप्टम इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नेक्रियस लेयर। नेक्रियस लेयर के एलिमेंट क्या क्या है, एरोगोनाइट और ऑर्गेनिक मटेरियल। अब फॉसिल जब बनेगा, जब ऑर्गेनिज्म डेड होगा उससे जो फॉसिल बनेगा उसके अंदर ये जो सेप्टम है वो ऑल टुगेदर विल बी एब्सेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो आपका सेल है सिफिलोपोड में, ये मल्टी चैम्बर्ड है, मतलब कि सेल के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जो कि गैस्ट्रोपोड में अपने को नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछते हैं कि जो आपका सेफलोपोड है उसके अंदर जो सेल है वो चैम्बर्ड होता है या नहीं होता है, गैस्ट्रोपोड का जो सेल है वो चैम्बर्ड होता है या नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गैस्ट्रोपोड के अंदर अपने को चैम्बर्ड सेल नहीं मिलता है और आपका सेफलोपोड के अंदर चैम्बर्ड सेल मिलता है, मल्टी चैम्बर्ड, ठीक है। और जो इनिशियल चैम्बर है उसको आप प्रोटोकॉन्स बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। एपेक्स पॉइंट, जो एपेक्स किसको बोलते हैं, पॉइंटेड एंड ऑफ द प्रोटोकॉन्स, और डायरेक्शन टुवर्ड द एपर्चर इज कॉल्ड अबोरल एंड। तो जैसे ये आपकी सिंपल कॉन लाइक स्ट्रक्चर थी तो ये आपका अपर्चर है, तो अपर्चर की तरफ जो डायरेक्शन होगी उसको आप क्या बोलते हैं, अबोरल एंड, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, अब दोबारा से देखेंगे इसको कि ये आपका अपर्चर है और अपर्चर करके टुवर्ड्स जो डायरेक्शन है इसको आप क्या बोलते हैं, अबोरल एंड। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका वेंट्रल है, ये आपका डोर्जल है, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ते हैं अपन। आप जैसे वॉल डिफाइन करते हैं कि वॉल क्या होता है, तो जब एक आप कंप्लीट 360 डिग्री का एक रिवोल्यूशन देते हैं या एक रोटेशन देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग 360 डिग्री का जब रोटेशन देते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, वॉल। अब वेंट्रल क्या है कि मार्जिन ऑफ द वॉल That is farthest away from the cell around the axis. जिस axis के around आप revolve कर रहे हैं उसका जो farthest point है उसको आप क्या बोलते हैं, venter. और जो nearest point है axis of coiling के उसको आप क्या बोलते हैं, dorsum. मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। Wall height क्या होती है, maximum distance between dorsum and venter. इसका wall एक चक्कर है, उसकी height क्या होगी कि जो venter और dorsum के बीच की जो distance है उसको आप क्या बोलते हैं, wall height. ठीक है, अब अम्बिलिकस क्या होती है इसको समझो। इसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरा सिस्टम बढ़ा देता हूँ, विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसको आप समझेंगे। अम्बिलिकस बेसिकली क्या होता है, जैसे इसको समझो कि जैसे आप स्पाइरल कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन, एक पर्टिकुलर एक्सिस है, मान लो कि ये एक एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये एक मार्कर है और इस मार्कर को आप एक एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया, स्पाइरल कॉइलिंग करनी चालू करी, कॉइल करते हुए जा रहे हैं आप ऊपर तक जाए बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, कोयल करते हुए चले गए, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, कोयलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कोयलिंग करते हुए इसको आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके सक्सेसिव वॉल्स बनेंगे, जो आपके पूरे के पूरे राउंड्स होंगे, उनके बीच में कुछ होलो स्पेस रह जाएगा। जैसे इस मार्कर को है तो इसके अलोंग आप जब कर देंगे पूरी की पूरी कोयलिंग और इस मार्कर को बाहर निकाल लें तो बीच में क्या रह जाएगा, एक होलो स्पेस रह जाएगा। उस होलो स्पेस को आप क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस। ये गैस्ट्रोपॉड में भी डिफाइन करेंगे। अब ये अम्बिलिकस हो सकता है कि सॉलिड हो सकता है कि होलो हो, ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप स्पाइरल करते हैं किसी एक एक्सिस के अलोंग और लेंथ के अलोंग जब जाते जाते हैं तो बीच में क्या होता है, एक होलो स्पेस क्रिएट होता जाता है। उस होलो स्पेस का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा बनता है वो, उसको आप क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस। तो ये आप ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। और वापस मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। सो लाइक इन केस अम्बिलिकस ओपन और डिप्रेस्ड जोन इन पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ कोयलिंग लेफ्ट व्हेन सक्सेसिव वॉल्स डू नॉट रीच द एक्सिस। मतलब क्या है कि जो वॉल है वो आपका एक्सिस तक नहीं रीच कर पा रहा है, तो जो वो कैविटी
पजेज होगी, ये आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको अगर समझ में आ गया दैट इज़ द मोर देन इनाफ। ठीक है, आपको समझना इम्पोर्टेंट है, समझ के आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी मैंने बुकिश लैंग्वेज लिखी है ताकि आपको एक स्टैंडर्ड कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो सो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, सो ज़्यादा इसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।